Hello and welcome back to Step by Step Study. So today we are going to start our chapter number 11, that is Force and Pressure. So this is part 1 of your chapter and I am Swati, and let's begin with the chapter now. So before starting any chapter, हम क्या करते हैं, कुछ important points याद करते हैं जो हमें याद रखने होते हैं, कुछ important terms. So let's get started. सबसे पहली term देखते हैं कि एक atmospheric pressure. What is this atmospheric pressure? जो प्रेशर एग्जर्ट करती है एयर एट एनी पॉइंट ऑन दी अर्थ, जो भी आपकी एयर होती है किसी भी पॉइंट अर्थ के किसी भी पॉइंट पे, जो प्रेशर जो एग्जर्ट करती है एयर आपकी, दैट इज़ नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. देन फ्लूइड्स. फ्लूइड्स क्या है, ये आपकी गैसेस एंड लिक्विड्स, ये होते हैं फ्लूइड्स. देन अनबैलेंस्ड फोर्स. अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, when the resultant of all the forces acting on a body is non-zero. जो जैसे कि एक बॉडी पे जितना भी फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं, जब उसका रिजल्टेंट जो है नॉन ज़ीरो होता है, मतलब ज़ीरो नहीं नॉन ज़ीरो, तो दैट टाइम इट इज़ नोन एज एन अनबैलेंस्ड फोर्स. आगे जाके इस चैप्टर में मैं आपको पूरा समझाऊंगी कि अनबैलेंस्ड कैसे हैं और बैलेंस्ड कैसे है, राइट. देन वी हैव बैलेंस्ड फोर्स. ये बिल्कुल अनबैलेंस्ड का उल्टा हो जाता है. जब रिजल्टेंट सारे फोर्सेस का जब बॉडी पे एक्ट करते हैं, वो रिजल्टेंट ज़ीरो होता है, देन इट इज़ नोन एज योर बैलेंस्ड फोर्स. व्हाट इज़ अ रिजल्टेंट फोर्स? रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है? अ सिंगल फोर्स इक्वल टू नेट फोर्स ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी. मतलब कि जितने भी फोर्सेस एक बॉडी पे एक्ट करते हैं, जो आपका लास्ट में एक सिंगल जो फोर्स आएगा, जो नेट फोर्स आएगा, रिजल्टेंट फोर्स आएगा, उन सबको मिला के दैट इज़ नोन एज योर रिजल्टेंट फोर्स. देन वी हैव कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या है, जब आप बॉडी को फिजिकली टच करते हो, उसको फिजिकली जो है टच करके फोर्स अप्लाई करते हो, दैट इज़ नोन एज कॉन्टैक्ट फोर्स. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में होता है जब आपकी बॉडी के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके साथ कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, एक डिस्टेंस से आप जो है उस पर फोर्स अप्लाई करते हो विदाउट टचिंग दैट, विदाउट हैविंग एनी फिजिकल इंटरेक्शन विद दैट बॉडी, दैट इज़ नोन एज योर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. सो आगे चलते हैं. फोर्स अ पुश और अ पुल. पुल का मतलब क्या होता है, ये आपके गेट पे जो पुश और पुल है, ये हमेशा अक्सर लोग करते हैं, पुश की जगह पुल लिख कर देते हैं और पुल की जगह पुश करते हैं. पुल मतलब होता है अपनी तरफ खींचना और पुश का मतलब बाहर की तरफ धकेलना, ठीक है. तो कभी भी अब जाओ किसी भी स्टोर पे या फिर कहीं भी कोई दरवाज़ा मिले और पुल लिखा हो, पुल का मतलब होता है अंदर खींचना. तो चलिए, फोर्स अ पुल और अ पुश. सो अ पुल और अ पुश एक्टिंग ऑन अ बॉडी विच टेंड्स टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन इज नोन एज फोर्स. फोर्स का मतलब क्या होता है, या तो हम किसी बॉडी को पुश कर रहे हैं या किसी बॉडी को पुल कर रहे हैं, ठीक है. जब भी हम उसका मोशन को स्टेट ऑफ रेस्ट को बदल दें, मान लो कि कोई बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट पे है, ठीक है. स्टेट ऑफ रेस्ट मतलब बिल्कुल वहीं पर है, स्टेशनरी है, वहीं पड़ी हुई है. एक बॉल, बॉल का एग्जांपल लेते हैं, या फिर कोई बॉक्स है, वो एक स्टेशनरी कहीं पर पड़ा हुआ है. हमने उस बॉक्स को पुश किया, धकेला बाहर की तरफ, तो हमने क्या करा, उसका जो स्टेट ऑफ रेस्ट था उसको चेंज करके उसको मोशन में ले आए, राइट. तो इसी को बोलते हैं, इस पुश को हम बोलेंगे फोर्स. अगर हम उस बॉक्स को अपनी तरफ खींचते हैं पकड़ के, तो उस फोर्स को भी हम बोलेंगे, उस पुल को हम बोलेंगे फोर्स, ठीक है. या तो बॉडी को पुश करना या पुल करना, तो उसी पुश और पुल को हम बोलेंगे फोर्स. और इस फोर्स को हम डिनोट करते हैं एक सिंबल से, दैट इज़ नोन एज एफ. डायरेक्शन जो होती है, जिस भी डायरेक्शन में हम बॉडी को पुश करते हैं या पुल करते हैं, तो उसी को बोलेंगे हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स. इन केस दिस आस्क यू व्हाट इज़ नोन एज डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस भी डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल हम यहाँ खड़े हैं और इस डायरेक्शन में एक बॉक्स को पुल करते हैं, हम इसको यहाँ तक ले आए, सो दिस इज़ नोन एज योर डायरेक्शन ऑफ फोर्स. मतलब हमने कहाँ की तरफ जो है फोर्स लगाया, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, तो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ हमने उसको फोर्स लगाया, दैट इज़, दैट मीन्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज टूवर्ड्स ईस्ट, ओके. देन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ फोर्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है. यूनिट क्या होती है फोर्स की, इट इज़ न्यूटन, और किस तरीके से डिनोट की जाती है, इट इज़ डिनोटेड बाई लेटर एन, ऑल राइट.
हमें ये ध्यान रखना है कि हमेशा पुश और पुल जो है, जो आपका फोर्स है, ये ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट को मूव करेगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो है फोर्स लगाया और ऑब्जेक्ट मूव नहीं करा, इन दैट केस वर्क डन ज़ीरो भी हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि फोर्स हमने बहुत ज़्यादा लगाया है, वर्क डन हमारा ज़ीरो भी हो सकता है, राइट। चलिए, सो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं फोर्स के। तो यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है, दिस इज़ नोन एज अ पुशिंग एंड दिस इज पुलिंग। तो मैंने जान के ये दो एग्जाम्पल्स लिए ताकि आपको पुश और पुल के बीच में फ़र्क पता चले। पुश में क्या है, आप इस बॉक्स को जो है बाहर की तरफ धकेल रहे हो, पुश कर रहे हो, उसकी मोशन को चेंज कर रहे हो, स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर रहे हो, राइट। एंड पुलिंग मतलब हम अपनी तरफ इसको खींच रहे हैं, अपनी तरफ पुल कर रहे हैं इस बॉक्स को। तो इसमें क्या हो रहा है, हम इसकी ये जितना मूव करेगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को, उस पोजीशन को हम डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, ठीक है। आगे पढ़ेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। सो आई होप आपको फोर्स का अच्छे से पता चल गया होगा। आगे चलते हैं। अब फोर्स जो है आपका आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। हमने एग्जाम्पल में क्या देखा कि फोर्स इज अप्लाइड इन अ फॉर्म ऑफ पुश और पुल, और उसमें क्या होता है, जब ये फोर्स पुश और पुल में अप्लाई होता है तो देयर इज सम काइंड ऑफ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। कुछ चेंज ऑफ स्टेट होगा मोशन का उस ऑब्जेक्ट के, राइट। सो फोर्स जो है इट इज़ अ कॉज एंड चेंज द मोशन ऑफ द बॉडी इज नोन एज द इफेक्ट। तो अब जब आप फोर्स लगा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल ये आपका जो है एक बॉक्स है, यहाँ पर आप खड़े हो, जो आप इस पे फोर्स लगाओगे, इस फोर्स को जो हम बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं कॉज, और जो इसकी डिस्प्लेसमेंट हुई है, जो इस बॉक्स की चेंज हुआ है, मोशन जो हुआ है इस बॉक्स में, फॉर एग्जाम्पल अभी ये यहाँ था, ये मूव करके यहाँ पर आ गया, तो इसे हम बोलेंगे इफेक्ट, ठीक है। कॉज हमारा फोर्स होता है और इफेक्ट होता है जितना हमारे बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट करी है, जितना हमारी बॉडी ने मोशन करा है, बॉडी इन द सेंस जो भी हमने ऑब्जेक्ट पे अपना फोर्स अप्लाई करा है, राइट। देन हमने ये है कि फॉर अ फोर्स टू कम इन टू प्ले देयर मस्ट बी टू इंटरैक्टिंग ऑब्जेक्ट। किसी भी फोर्स को एक्ट करवाने के लिए, किसी भी फोर्स को टू कम इन टू प्ले, हमें हमेशा जो है दो इंटरैक्टिंग ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट तो जिसपे हम अपना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दूसरा जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, दो बॉडीज हो गई, एक तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया जिसपे फोर्स अप्लाई होगा और एक आप जो फोर्स अप्लाई करेगा। अब ऐसा नहीं होता कि भाई बॉक्स यहाँ पर रखा हुआ है और अपने आप ही वो आगे मूव कर जाए, नहीं। किसी भी बॉडी को मूव करवाने के लिए, किसी भी फोर्स वाले एक्शन के लिए हमें हमेशा दो बॉडीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक आदमी है, राइट, यहाँ पर दिस इज़ अ कार और इसमें एक लेडी बैठी हुई है, और ये जो कार है इस तरीके से स्टेशनरी है, ठीक है। इसको ड्राइविंग नहीं आती, कुछ नहीं आता, हैंड ब्रेक इसने छोड़े हुए हैं। ये एक आदमी है, ये इसको दूर से देख रहा है कि भाई ये गाड़ी में एक लेडी बैठी हुई है और गाड़ी रुकी हुई है, हैंड ब्रेक इन्होंने हटाए हुए हैं। अब ऐसा तो है नहीं इस आदमी के देखते देखते ही ये जो है गाड़ी चलने लग जाएगी, नहीं। जब उसने देखा कि इसको चलानी नहीं आती, या इन केस कोई भी आप एग्जांपल ले लो कि गाड़ी ख़राब हो गई है, हैंड ब्रेक इसके हटे हुए हैं, अब जब इसने इस गाड़ी पे फोर्स लगाया तब जाके ये आपकी कार जो है ये मूव करने लग गई, इसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई। तो इसका मतलब है एक फिजिकल कांटेक्ट हुआ आपके बीच में और गाड़ी के बीच में, मतलब जो आपका कॉज और इफेक्ट, ठीक है। कॉज क्या था आपका कि हमने गाड़ी में फोर्स लगाया, इफेक्ट क्या था कि हमने गाड़ी की डिस्प्लेसमेंट आगे बढ़ा दी, ठीक है, गाड़ी को आगे बढ़ा दिया, डैट इज डिस्प्लेसमेंट। सो अब डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, जिस भी डायरेक्शन में आपने धक्का लगाया है दैट इज नोन एज योर डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इंटरेक्शन बिटवीन द टू बॉडीज मे और मे नॉट इन्वॉल्व डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट। अब इसमें क्या था, आपकी जब इंटरेक्शन हुई है एक फिजिकल बॉडी के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ, एक डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट था, ठीक है, जब हमने उसको टच करा, दैट इज मीन्स अ फिजिकल कॉन्टैक्ट इज देयर। अब दूसरा एक ऐसा भी हो सकता है कि जो हमने मोशन करवाया किसी बॉडी का, कोई फोर्स लगाया, वो हमने इनडायरेक्टली करवाया हो, वो कैसे, इसको हम क्या बोलते हैं, इस तरीके के कॉन्टैक्ट को हम बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल क्या होता है आपका, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बहुत सारी आयरन की कीलें पड़ी हुई हैं, ठीक है, कील आप समझते हो,
देन आयरन यहाँ पर पड़ा हुआ है, यहाँ पर आपकी मैग्नेट है। अब ये मैग्नेट क्या करेगी, अपना अपनी तरफ इन जो आयरन की कीले हैं इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। अब इसमें क्या होता है, आपका कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ इन आयरन की कीलों के साथ, ठीक है। तो इसी को हम बोलेंगे इट एज आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब हमने मैग्नेट के थ्रू जो है क्या हुआ है, अट्रैक्शन हुई है, कोई भी फिजिकली जो है आपस में इनका कनेक्शन नहीं हुआ है। देन आगे बढ़ते हैं। टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, द वन इज कॉन्टैक्ट फोर्स एंड द अनदर वन इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को हम एक्शन एट द डिस्टेंस फोर्स भी बोलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल या पुश करने के लिए एक कॉन्टैक्ट होना चाहिए दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, जैसे कि हमने अभी अभी पढ़ा है, राइट। मान लो आपने फुटबॉल है पड़ी हुई है सामने, तो ऐसा तो नहीं है बिना देखे देखे ही वो हवा में उछल जाएगी। जब तक आप उस पर एक कॉन्टैक्ट नहीं करोगे, पैर से फिजिकली एक कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश नहीं करोगे बॉल के साथ, तब तक तो आगे जाएगी नहीं। सिमिलरली कोई कार्ट है, अब उसको जब तक खींचोगे नहीं तब तक वो आगे जाएगा नहीं, राइट। सो इसमें क्या होता है, एक एग्जाम्पल लेते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स का। एक रबर बैंड है, तो जब तक आप रबर बैंड को दोनों तरफ से अपने हाथों से अपनी उंगलियों से नहीं खींचोगे, स्प्रिंग को नहीं खींचोगे, तो ये रबर बैंड एक्सपैंड नहीं होगा। तो इसमें क्या चाहिए, एक्चुअल कॉन्टैक्ट चाहिए आपके हैंड्स का, हैंड्स ऑफ अ पर्सन का दोनों कोनों पे, राइट। सिमिलरली किकिंग ऑफ अ फुटबॉल, इन इसमें क्या होता है, एक फिजिकल कॉन्टैक्ट आपका एस्टैब्लिश हो रहा है। देन वी हैव एन एग्जाम्पल। अब इसी फिजिकल कॉन्टैक्ट के दो आपके एग्जाम्पल्स हैं, कौन कौन से पढ़ते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स में आपके दो एग्जाम्पल्स होते हैं। फर्स्ट वन इज मस्कुलर फोर्स एंड द सेकेंड वन इज फ्रिक्शनल फोर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि ये मस्कुलर फोर्स क्या है। द फोर्स एग्जर्टेड बाई द मसल्स ऑफ अ ह्यूमन बींग और एन एनिमल इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। जो फोर्स आपकी मसल्स, ह्यूमन बींग की मसल्स या फिर एनिमल बॉडी की मसल्स एग्जर्ट करती हैं किसी बॉडी के ऊपर या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, दैट इज नोन एज योर मस्कुलर फोर्स। अब मस्कुलर फोर्स आपका कहाँ कहाँ दिखता है, जब आप वॉक कर रहे होते हो, रनिंग कर रहे होते हो, किकिंग कर रहे होते हो, किसी किक मतलब आप किसी चीज़ को किक मार रहे हो, जैसे कि आपने स्कूटी में किक मारी या फिर बाइक में किक मारी या फिर आपने बॉल को किक किया, तो उसमें भी आपकी जो है मसल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। सो इसीलिए उसको बोला जाता है मस्कुलर फोर्स। देन अब एनिमल जो एग्जर्ट करते हैं अपना मस्कुलर फोर्स, वो कहाँ पर करते हैं, जैसे कि वो जो कार्ट होता है उसको पुल करना, खेती में काम आते हैं एनिमल्स, ठीक है, तो प्लोइंग में, कैरिंग हैवी लोड्स, और ऐसे में जो है ये एनिमल्स अपना मस्कुलर फोर्स एग्जर्ट करते हैं। इसका दूसरा जो एग्जाम्पल है, दूसरा जो टाइप है, पहला टाइप हो गया कॉन्टैक्ट फोर्स का, मस्कुलर फोर्स जो हमने कर लिया। सेकेंड वन इज फ्रिक्शनल फोर्स। अब फ्रिक्शनल फोर्स को हम सिंपली फ्रिक्शन भी बोलते हैं। इट इज़ एन ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। अब ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है आपका, द फोर्स दैट इज एक्टिंग बिटवीन टू सर्फेसिस इन कॉन्टैक्ट विच ऑपोजिज द मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर द अदर, इट इज़ नोन एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। समझ आया इसका मतलब क्या है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का। मान लीजिए यहाँ पर एक बॉडी है, सबसे पहली चीज़ फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन समझना ज़रूरी है। फ्रिक्शन लगता कहाँ है पहले ये देखते हैं। देखिए आपका ये ग्राउंड है, ठीक है, हमेशा फ्रिक्शन लगने के लिए जो आपका ग्राउंड कभी भी जो है बिल्कुल से स्मूथ नहीं होना चाहिए, नहीं तो फ्रिक्शन नहीं होगी। फ्रिक्शन होने के लिए हमेशा जो है सरफेस का रफ होना ज़रूरी है, थोड़ा सा भी रफ होगा तो फ्रिक्शन होगी। अब क्या होगा, ये आपका बॉक्स है, यहाँ से हमने फोर्स लगाया, ठीक है, हमने जैसे ही यहाँ पर फोर्स लगाया बॉक्स की मोशन हुई इधर। अब जो फ्रिक्शन फोर्स है हमेशा जो है आपके लगाए हुए फोर्स के ऑपोजिट एक्ट करता है, हमारे मोशन के ऑपोजिट एक्ट करता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, ये अब जब ग्राउंड के ऊपर ये आपका बॉक्स है, ठीक है, ग्राउंड के ऊपर आपका बॉक्स है, अब ये ग्राउंड भी जो है बॉक्स के ऊपर कुछ फोर्स लगा रहा है ताकि ये बॉक्स टिका रहे इस पे, ठीक है।
हमने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो ग्राउंड अपना बॉक्स पे फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ लगाएगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। समझ आ गई? अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता क्यों है, जब भी बिकॉज ऑफ रफनेस ऑफ द सरफेस ऑफ द बॉडीज इन कॉन्टैक्ट। अब अगर हमारा जो सरफेस स्मूथ होगा इट विल एग्जर्ट लेसर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देन अ रफ सरफेस। आई होप इट इज़ क्लियर। तो आपको ये और दूसरी चीज़ आपको यहाँ क्या याद रखनी है, कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स जो है किसी टाइप की भी फ्रिक्शन को आप किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मशीन में आपकी फ्रिक्शन है तो ये कैसे रिड्यूस हो सकती है, इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन क्या होता है, ऑयलिंग करना, ठीक है। फ्रिक्शन इसी तरीके से रिड्यूस होगी। तो आपको समझ आ गया होगा फ्रिक्शन है क्या। कोई भी मोशन जो आपके फोर्स, आपने किसी डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसके ऑपोजिट जो फोर्स लगता है उसको बोलते हो आप फ्रिक्शन, जो उसको अपोज करता है रुकने के लिए। अब मान लो कोई बहुत ही हैवी आपके पास बॉल है और आपको उसको, या हैवी बॉक्स है आपको सामने उसको खिसकाना है, तो इतनी आपकी जान क्यों लगती है, इतनी जान इससे लगती है उसको आगे खिसकाने में, क्योंकि अगर मान लो सरफेस इतना स्मूथ होता तो आप जल्दी से खिसका देते, लेकिन जो आपके धरती है, जो आपका सरफेस है जिसके ऊपर वो रखा होता है, वो उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट करता है। उसके ऑपोजिट हमारे फोर्स के, हमारे फोर्स और डायरेक्शन ऑफ फोर्स के ऑपोजिट एक फोर्स है जो है वो उस पर एक्सर्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। देन सेकेंड वन इज योर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स या फिर एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है आपका, वो फोर्स जो हम दूर से एग्जर्ट करते हैं विदाउट टचिंग दी ऑब्जेक्ट, जिसमें हम ऑब्जेक्ट को टच नहीं करते लेकिन फिर भी जो है उस पे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा होता है, वो कैसे। अब जैसे मैग्नेट है आपकी, ठीक है, अब यहाँ पर आपकी आयरन की वो पड़ी हुई है कीलें, ये आपकी मैग्नेट हो गई है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब क्या होगा, जो मैग्नेट है वो पुल, पुल एक फोर्स ही है, राइट, पुश और पुल को ही हम फोर्स कहते हैं। तो ये क्या करेगी, पुल मतलब अपनी तरफ खींचना, तो ये पुल एग्जर्ट करेगी या फिर हम कहेंगे अट्रैक्शन अट्रैक्ट करेगी, ठीक है, और पुश या फिर वो रिपेल भी कर सकती है, दूसरा मैग्नेट का छोर जो होता है वो रिपेल भी कर सकता है। तो यहाँ पर आपको बस इतना याद रखना है कि मैग्नेट जो है अपनी तरफ इन कीलों को अट्रैक्ट करेगी, और वो भी एक डिस्टेंस से, मैग्नेट ने फिजिकली टच नहीं करा उस उन कीलों को, तो इस वजह से उनमें दोनों में कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ है, एक डिस्टेंस से एक ये जो फोर्स एग्जर्ट हुआ है एक डिस्टेंस से हुआ है, कोई एक्चुअल कॉन्टैक्ट इन दोनों के बीच में नहीं हुआ, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स। अब इसमें नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के हमारे पास और कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, देखिए ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा होता है, जो आपकी अर्थ एग्जर्ट करती है किसी भी हमारे ऊपर या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब हम कोई भी चीज़ जो है, ये हमारी अर्थ है यहाँ पर हम खड़े, हम कोई भी चीज़ जो ऊपर फेंकते हैं वो नीचे क्यों आ जाती है, बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तीसरा मैग्नेटिक फोर्स, ये तीनों ही एग्जाम्पल हैं आपके नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के, पहला ग्रेविटेशनल, दूसरा एग्जाम्पल है आपका मैग्नेटिक एंड द थर्ड एग्जाम्पल इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, ये तीन एग्जाम्पल्स हो गए हैं। अब कल हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, और इसी तरीके से दो तीन पार्ट्स में ये चैप्टर मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगी। कुछ इसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं जो इम्पॉर्टेंट नहीं है, स्टिल मैं आपको जो है इसके न्यूमेरिकल्स इसीलिए कराऊंगी कि कोई और बच्चा देखता है अगर जिसको कॉम्पिटिटिव की तैयारी नहीं कर रहा तो उसको भी समझ में आ पाए, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे होम एंड स्टे सेफ, स्टे होम एंड स्टे सेफ, ठीक है, घर में रहिए, कोविड से बचिए, पढ़ाई करते रहिए।